pole was resection. Automatic control system. अच्छा, तो पावर लोड वगैरह सब यहाँ से पता चल जाएगा कितना पावर फैक्टर और क्या यूटिलाइज कर रहा है। ओके, अभी देख लेते हैं। कौन यहाँ पे बैठता है भाई? आइए, थोड़ा दो मिनट बताइए ना। पावर लोड अभी कितना आ रहा है? हाँ सर, पावर लोड कितना है अभी? सर ये अभी लोड अभी चल रहा है सर, अभी जस्ट इनिशियल स्टार्टिंग की। अच्छा, अभी भी चालू किया आपने? नॉर्मली बताइए ना कितना डेली का रिक्वायरमेंट होता है, लोड कितना आता है? लोड हमारा रहता है सर, ये 450 किलोवाट के आसपास आ रहा है सर। 450 किलोवाट का आ रहा है टोटल लोड। अच्छा, फुल चलने में। इनिशियली स्टार्ट किया तो अभी यहाँ पे कहीं देख पाएंगे हम लोग? नहीं सर, अभी नहीं देख पाएंगे सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम? अच्छा जी। हाँ जी सर, वाटर अरेंजमेंट। डेली पानी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? डेली पानी कितना चाहिए होता है? 495 केएल पर डे। और ग्राउंड वाटर ले रहे हैं? पानी कहाँ से? ग्राउंड वाटर ले रहे हैं। ग्राउंड वाटर है, बोरवेल है? कितने हैं? कितने हैं बोर? तीन है प्लस सर्कुलेशन डेली। हाँ वो तो ठीक है, बट 495 केएलडी तो आपको चाहिए डेली। ये रिसर्कुलेशन वाला पानी है ना? ये सर्कुलेशन वाला है ना? हाँ, ये सर्कुलेशन वाला पानी है। में माल आता है ना जो? हाँ हाँ, धुलाई हो रही ना? हाँ, कोयला और पानी एक साथ इसी में धुलाई होती है। इसी में हो जाएगी, कोयला भी है इसके अंदर, कोयला है। और इसको फिर यहाँ से द्वारा भेजा जाता है, फिर ये स्लरी। हाँ, इसका जो स्लरी बनेगा वो आपस स्लरी, मतलब वो चली गई वो स्लरी वहाँ पे। कैसे जा रही है? पाइपलाइन से? पाइपलाइन नीचे नीचे है क्या? पाइपलाइन गया ना नीचे।
अच्छा ये पाइप नीचे से ले लेना। हाँ हाँ ठीक है, बाहर का मत लेना थोड़ा सा। हाँ ये वाला आग खुल गया है ना कहीं से। अच्छा उठा के फिर वापस आएंगे। ये आपका नहीं है, जमीन नहीं आपका? हाँ वो चला गया है उसको उठा के। तो उसने किसी ने कुछ बोला तो नहीं? अभी नहीं बोला उसको। अच्छा मुआवजा दे दिए। अच्छा ओके फोटो मत लेना। हाँ ठीक है, अपन सुधार कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं। 10,000 लीटर? 10 लाख लीटर? 10 लाख लीटर? 10,000? अच्छा ओके 10,000। 10 लाख लीटर? तो ये 10 लाख लीटर, तो इसके साथ में कोल भी है ना, आधा कोल है? मतलब पानी में ना कोल नहीं रहेगा तो 10 लाख तक बन जाता है पानी। अच्छा ओके, 50% कोल भर देते हैं और फिर 3-4 लाख। फिर पंप का ये वाला पंप है ना, इसके साथ जाएगा हैवी? ओके, और इसमें मोटर कितना एचपी का लगा यहाँ पे? वाले लोग बता पाएंगे। अच्छा वो टेक्निकल वो मिल जाएगा। हाँ तो उसके बाद ये पंप करेंगे सीधा वहाँ पहुँचेगा क्लीन कोल, क्लीन ही चला जाएगा उधर। क्लीन आपका ये वाला लगा है? ये वाला ठीक, जो ऊपर अभी ये रिजेक्ट जा रहा है? नहीं ये जो जा रहा है ये क्लीन कोल है। एक क्लीन कोल जा रहा है, रिजेक्ट उधर गया। ओके, और जो ये बीच में फ्लाई गिर जाता है ना जो, हाँ इकट्ठा करके रखे हैं, तो इसको लास्ट में क्या करेंगे? कोयले में जाता है, फ्लायर्स भी उसी में डाल देंगे। फ्लायर्स नहीं है, कोयला ही है। अच्छा कोयला ही है, डस्ट के फॉर्म में है। डस्ट जो बारीक हो जाता है ना, तो बारीक हो जाए। ओके, इस वाले टैंक में केवल पानी है? वो फ्रेश वाटर है। हाँ यहाँ, हाँ अच्छा कोयले से मिला हुआ है। ओके, ये फ्रेश वाटर टैंक हो गया, थिकनर हो गया, यहाँ से आप दो ही टैंक की जरूरत है और कोई टैंक की जरूरत नहीं है। ये नीचे टैंक क्या है? इसमें पहले कोयला ही नहीं आता है। अच्छा ये पाइपलाइन तो ऊपर जाएगा ना पहले? तो ये वापस के लिए, वो वहाँ से नीचे से उधर जाने के लिए, पानी लेने के लिए। मतलब मैं पानी ले रहा है। अच्छा वो भी एक बार थोड़ा अरेंजमेंट बता दीजिए किस टाइप से आ रहा है। पहले कोयला आपका जो वहाँ साइजिंग होके आया, वहाँ से आप प्रोसेस थोड़ा ब्रीफ में बताइए कहाँ से किस टाइप से आ रहा है और कौन साइजिंग आया, अपन जो भी रिक्वायर्ड साइज है इसका। हाँ सपोज आप 50 वाला ले रहे हैं, 10 to 50 ले लिया ठीक है। उसके बाद फिर वो जो एक स्क्रीन है जो आप देखे, हाँ जैसे आप वीडियो ले रहे थे, हाँ हाँ वो डिस्लाइमिंग स्क्रीन है, वहाँ पर पहले डीशेल होता है। हाँ डिस्लाइमिंग होता है, स्लाइम्स को अलग करते हैं। अलग कैसे करेंगे? हाई प्रेशर से उसके ऊपर जो वाटर स्प्रे होता है, हाँ और वाटर नीचे चल देता है और वो से धो देता है ऊपर जो भी स्लाइम्स है वो अलग करते हैं। ओके अलग करके वो फिर एक टैंक में जाता है। हाँ हैवी मीडिया टैंक नीचे ये वाला है, हैवी मीडिया टैंक ये नहीं है, इसके बाजू में, इसके बाजू। ओके तो उस हैवी मीडिया टैंक से जाता है, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक डेंसिटी मेंटेन करते हैं हम लोग उस ग्रुप का। ओके डेंसिटी, हाँ और कोल है उसमें, डेंसिटी बनाने के लिए मैग्नेटाइट पाउडर यूज होता है। मैग्नेटाइट? हाँ मैग्नेटाइट, जैसे हेमेटाइट आयरन होता है, राइट राइट, उसी का कन्वर्टेड रूप है मैग्नेटाइट Fe3O4। ओके मिला के अपन उसकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी, इस पे भी अपने को क्या रेशियो में टन पर कितना मिलाते हैं वो लमसम उसको एवरेज एक बार में, जैसे हम लोग को 1.5-1.6 करना है तो 40 बैग 50 बैग 50 बैग, 1 बैग में मतलब 50 kg है, हाँ तो 250 kg के आसपास है सर। मतलब टन के हिसाब से बता रहे हो यार? टन के हिसाब से उसका कंजप्शन आपका 1 kg per ton है। अच्छा ओके 1 kg per ton, हाँ थ्रूपुट जो अपना है, हाँ उसमें 1 kg आपका प्रति टन का थ्रूपुट जाएगा, ठीक है यूज होता है। फिर आपने मैग्नेटाइट यूज उसमें ऐड कर दिया, डेंसिटी रखनी है, हाँ रिक्वायर्ड डेंसिटी मेंटेन करके फिर उसमें पंप लगाएगा, ठीक है। तो पंप क्या करता है, वो मैग्नेटाइट वाटर प्लस कोल तीनों के मिक्सचर को हम लोग तीनों को पंप कर देता है ऊपर, एक साइक्लोन है, साइक्लोन मीडिया में, साइक्लोन ठीक है। तो साइक्लोन में जाने के बाद साइक्लोन क्या ऐसे है तो नीचे से पंप होके आ रहा है तो हल्का लाइटर पार्टिकल विल फ्लोट ओके पर एंड हेवियर पार्टिकल विल सिंक। ओके जो हेवियर पार्टिकल है वो अपना रिजेक्ट कोल हो गया, जो लाइटर पार्टिकल, जो लाइटर पार्टिकल कहने का मतलब टैंक में जो हमने डेंसिटी मेंटेन किया है उसके इस प्रकार से बनाते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि उसी के हिसाब से उससे जो लाइटर पार्टिकल हमको चाहिए उतनी डेंसिटी बनाएंगे। ओके ओके तो कोल का जो डेंसिटी है 1.4-1.8 रहता है वेरिएशन, तो आप किस कट पॉइंट पे किस क्वालिटी का कोल चाहिए 1.5 से ऊपर का चाहिए तो अपन 1.5 कर दिए ओके 1.5 से ऊपर का फ्लोट होके वास्ट होने चले गए, हैवियर वाला जो है 1.5 से ऊपर वाला जो है सिंक होके आपका
सिंह के रिजेक्ट में चला गया, रिजेक्ट वाला पावर प्लांट में चला गया। अभी तो ये आया फिर आपका रिवाश कॉल है, उसके बाद स्क्रीन लगा है साइक्लोन के बाद वैसा ही एक स्प्रे वाला ओके, जिससे हम लोग मैग्नेटाइट फिर से रिकवर कर रिकवर करें ओके, रिजेक्ट स्क्रीन और क्लीन पुलिस वाश पुलिस उसके बाद फिर ये वाश कॉल का है। एक ये दो मिसिंग हो गए आपका वहाँ से साइक्लोन से गया, तो ये वाले बीच में कैसा है कहाँ पर टैंक की बात करें? नहीं नहीं आपका फ्रेश वाटर आप ऐड कर रहे हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हम लोग इस पे जाएंगे अगर तो हाँ हाँ ठीक है ना। लेकिन यहाँ कोल तो आप यहाँ भी ऐड कर रहे हैं ना? नहीं कोल यहाँ ऐड नहीं होगा, वहीं पे ऐड हुआ वो जो हम लोग जिस लाइनिंग स्क्रीन में आप देखे ना स्प्रे से धो रहे हैं, राइट राइट राइट, वो क्या होता है उसको धूल के कुछ कोल के माइन्यूट पार्टिकल्स आएंगे उस पे, वो पहला है वो स्प्रे जो हो रहा है फर्स्ट हो रहा है, पानी को आप लोग वहाँ ले लिए स्लरी टैंक में, उसके बाद पानी को लाइटर वाला जो बोल रहे हो यानी कि वॉश गोल्ड जिसको आप लेने वाले हो लाइटर आपको मैं मटेरियल पहुँचा बताया। अच्छा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट यानी पानी गंदा हो गया है कोयले को धोने से वो वाला पानी फिर उसके बाद हुए पानी है क्या है बड़ा भी है छोटा भी है, तो हमने बड़े कण को छोटे कण से अलग करने के लिए कौन साइकिल लगाया सेपरेट साइकिल सेपरेट साइकिल इस वाले का तो ये यानी कि ये रिजेक्ट वाले के लिए नहीं ये सिर्फ वेस्ट वाटर का केवल वॉश पानी हां तो फिर वो पानी साइक्लोन से पास होने के बाद पानी है निकाल दिया अपन पार्टिकल फिर उसको यहां छान के भेज दिए। पहला किसमें आता है इसमें है उसमें इसमें आएगा वो हम लोग का मेन टैंक है। अच्छा रिजर्वायर है उससे वहां से ले लेते हैं केवल यहां पर देखिए आ रहा है केमिकल डालता है तो जो माइन्यूट पार्टिकल है वो सेटल डाउन होता है ठीक है और ओवर तो देखिए साफ आ रहा है हाँ लेकिन वहाँ से गंदा आता है यहाँ से साफ आ रहा है ये रिकवर हो। अब ये पानी को आप दोबारा यूज करें यहाँ से ही स्लरी निकल रही वहाँ से नहीं निकल रही ना यहाँ से आपने पाइप लगाया वो वाला वो जा रहा है अपन जरूरत पड़ने के हिसाब से ड्रेन करते हैं अगर ज्यादा अच्छा। ये गाढ़ा हो गया इसमें का हाँ ये पानी अगर काला आने लगा तो हमको ड्रेन करना अच्छा ड्रेन करेंगे मतलब इसमें मैनुअल है आपका ऑटोमेटिक नहीं कि अपने आप ही भेजेगा नहीं ये पंप लगा है ऑटोमेटिकली है उसे नहीं नहीं अब मैं बोल रहा हूँ सपोज चलाने के लिए स्लरी पाइप पंप चलाने के लिए तो आप यहाँ देखोगे तभी करोगे ना चलाओगे ऑटोमेटिक पीएलसी से चल जाएगा। अच्छा सब कुछ सिस्टमेटिक मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको देख रहे हैं कि भाई ज्यादा गाढ़ा आ रहा तभी चलाना है नहीं वो तो उसका फीडबैक है ना इसमें क्या है वो नीचे कितना मटेरियल बैठ रहा है अच्छा उसका लोड का भी एक सेंसर लगा है ओ, वो वहाँ भेज रहा है अच्छा, अभी अभी ओवरफ्लो होने लगा तो इसके लिए क्या करते हैं कुछ होता है अरेंजमेंट इसके लिए अभी वो चल रहा है टैंक का लेवल अभी चेकिंग चल रहा है। अच्छा टैंक का लेवल ले रहा है इधर जो खाली टैंक है ना उसमें पानी ले रहा है ये थोड़ा सा अभी चल देगा उधर। अच्छा ये स्लरी जो लास्ट में ड्राई हो जाती है इवेपोरेशन से उसको क्या करते हैं उसको फिर सब साइड वाइड करके रखते हैं फिर यूज होता है वो अगर होता है तो अगर उसमें भी एफसी पार्टिकल रहता है एफसी कंटेंट है उसमें भी वो समझिए फाइंस ऑफ कोल है वो और कुछ नहीं। हाँ हाँ कहाँ यूज करेंगे उसको पावर प्लांट पे भी यूज हो सकता है पावर प्लांट बेसिकली जैसे आप इसका जो लास्ट पावर प्लांट में यूज हो सकता है जो रिजेक्ट भेजते हैं वो भी पावर प्लांट में जाता है वो भी पावर प्लांट में जा सकता है फाइंस जा सकता की बात नहीं आज की डेट में कहाँ जा रहा है आज की डेट में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कहाँ जा रहा है अभी तो अच्छा पावर प्लांट ही जाता था राइट नाउ तो कितना भी है ये अभी तो हम लोग का लगभग 8-10 दिन से हम लोग प्रोसेस अभी कर भी नहीं रहे बंद पड़ा हुआ था 8-10 दिन चेकिंग चल रही है अभी। अच्छा चेकिंग मतलब कुछ फेल्योर हुआ था क्या नहीं जनरल अच्छा मेंटेनेंस बंद है तो हम लोग जनरल मेंटेनेंस करते हैं बैलेंस करते हैं ओके।
the receiving point and first washing of coal with water, that is screening. Honey bees. भाजी को नीचे भेजेगा और हल्के को सिग्नल भेजेगा. ठीक है. ये मैं जो लाइट पावर से निकल रही है. अच्छा. ये मीटिंग ड्रम है. हाँ. उससे मीटर सेट होता है. हाँ. मैग्नेट से वो चिपक जाता है. ये देखिए रिकवरी कर रहे हैं महीने टाइम से, ये इसको चिपका लेता है इसको. ओके. और यहाँ से स्क्रेपर से वो पूरा हम लोग रिकवर कर ले रहे हैं, इसको दोबारा यूज करेंगे. मैग्नेटाइट रिकवरी सिस्टम. बंद है अभी. अच्छा. मैग्नेटिक सेपरेटर. ये आपका वही इसको भी साइक्लोन है. साइक्लोन ये क्लासिफाइड साइक्लोन है. वो हैवी मीडियम साइक्लोन है. मीडियम प्लस स्मॉल आएगा. और ये साइक्लोन है क्लासिफाइड साइक्लोन. क्लासिफाइड तो फीड होगा जब तो उससे आपको गंदा दिखेगा. इसको भारी पार्टिकल दिखेगा. ज़्यादा गाढ़ा और ऐसा लाइटर और वो उसके जाएगा. दोनों में ही हैवियर आ रहा है. चारों में. चारों में हैवी आएगा. नीचे में. ओके. ये एक है. ये एक है. ये चार लगे हैं. तो ये तुरंत फीड आ रहा है अंदर. भारी नीचे चलेगा और हल्का ऊपर चलेगा. ये ऐसे जो सर्कुलेट होता है और बायोन्सी फोर्स वर्क करेगा. वेट नीचे उसके उसी वेट के अपोजिट फोर्स से वो हल्के वाला ऊपर चले जाएगा. क्या बंद हो गया या फिर बंद हो गया? बंद. रिकर अभी बंद किया. नीचे फोन बंद कर दिया होगा ना. अच्छा. इस पे आना बंद हो गया तो अभी सर ही बंद हो जाएंगे. पूरा सर डाउन कर दिया. हाँ, अभी अभी सर्किट बंद हो रहा. अच्छा. ओके. और ये में हाँ फुल मीडिया साइक्लोन है. ये मेन जो सेपरेशन करता है लाइटर को. ये फीड है.
हाँ ये फीड है और इसके बाद यहाँ से साइक्लोनिक एक्शन से और जो उस फ्लूइड के डेंसिटी से लाइटर पार्टिकल विल फ्लोट डिस्प्लेस को और सिंक होगा वो रिजेक्ट में जाएगा और रिजेक्ट नीचे चला जाता है और ये हमारा वॉशकोल इधर मिल गया। तो यहाँ पे हमें दो कन्वे बेल्ट चाहिए, एक रिजेक्ट और एक वॉश के लिए। ये नीचे जस्ट एक स्क्रीन लगी है हाँ, जिस पे स्प्रे करके जैसा हम लोग फर्स्ट में देखा था हाँ, सेम लाइक दैट है। तो स्प्रे करके स्क्रीन कर देगा। अच्छा, स्क्रीन के बाद भी कुछ रिजेक्ट मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, केवल वॉट? नहीं, स्क्रीन के बाद मिलेगा, रिजेक्ट कॉल है वो, रिजेक्ट कॉल जाएगा। हम लोग ये स्प्रे इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मैग्नेटाइट पाउडर रिकवरी, अच्छा वो ना जाए वो साथ में। कुछ चांसेस होते हैं कि मैग्नेटाइट इतना स्क्रीनिंग और ये साइजिंग करने के बाद भी या रिकवरी करने के बाद भी कुछ चला जाता हो? हाँ, लॉस होता है। कितना परसेंट? 0.02 kg, 0.02 kg पर टन, 0.02 kg, 0.2 यानी 20%, 20 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम, वो कुछ लॉसेस तो होते हैं जिसको मतलब रोक नहीं सकते। जैसे ये भी 100% एफिशिएंट तो नहीं हो सकता। राइट, वो फिर मेकअप करना पड़ता है। टाइम में हम लोग चेक करते हैं इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी फ्लूइड की चेक करते हैं। बारिश से उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बारिश से कोई फर्क नहीं, किसी को भी, किसी भी मशीनरी में कोई, पूरा शेड है। नहीं, बारिश जब होगी ना तो हवा के साथ भी आ सकता है पानी, तो इधर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई इन पे मोटर पे पानी चला गया, कोई मोटर वाला है नहीं, एक ही में मोटर है वो। अच्छा, मैग्नेटिक सेपरेटर। ये मधुमक्खियाँ किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती? तो सही लगे, निकलवाते रहते हैं हम लोग। अच्छा। ये फिर क्या हुआ, ये मतलब -325 मेश, -325 ओके मेश, बहुत मतलब बहुत पाउडर। हाँ, पाउडर इसका 0.5 का, ये देखिए ये वेज वायर पैनल बोलते हैं, मतलब स्टेनलेस स्टील के वायर का जाल है ये, लाइक जाल है ना, तो वेज वायर बोलते हैं, वेज मतलब जाल। तो ये देखिए बीच बीच में ऐसे लाइन लाइन गैप दिख रहा है, उसके नीचे ऐसे 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 क्रॉस दिखे हैं। ओके, -0.5 mm का साइज है। ओके, तो ये जस्ट रिकवर करेगा अपना, मैग्नेटाइट को रिकवर कर लेता है वो, मैग्नेटाइट नीचे जाएगा। हाँ, नीचे जाएगा और वो एक और टैंक में जाएगा, डाइल्यूट टैंक। ओके, जिससे हम लोग वहाँ लेके जाते हैं, पंप करते हैं बस ये बाकी। हाँ, और जो साइज तो वैसे मोस्टली हो जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो 100% निकल जाता होगा मैग्नेटाइट, सिर्फ वहाँ रह जाता है, फिर उसी पानी को पानी के साथ में वहाँ भेजते हैं कि पानी से अलग कर दें। राइट। ओके, इनका प्रेशर क्या रहता है पानी जो निकालते हैं? पानी का भी तो ऐसा हम लोग 3 kg, 4 kg ऐसा प्रेशर है इसका। अच्छा, हाई प्रेशर पंप से ही आता है तो मैक्सिमम 4 kg तक आता है यहाँ प्रेशर। अब वो बैंड वो क्या है, कैलकुलेटिव है, ऊपर एक एक बैंड में लॉसेस होते हैं, एक एक 90 बैंड में, ये 90 बैंड ऐसे, फिर वो वहाँ से जो हाई प्रेशर पंप है उसका 6-7 kg का आउटपुट देना है। अच्छा, तो टोटल सपोज मैंने 465 या 495 kL चाहिए पानी डेली, तो इसका मतलब इतना पानी हम डेली वेस्ट कर देते हैं या फिर वो नहीं, ये इसी में से रिकवरी होता है? नहीं, रिकवर हम लोग उसका पानी हम लोग ड्रेन किए, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग तुरंत उसको ले लेंगे, तुरंत ले नहीं सकते। राइट, जब तक वो क्या है ओवरफ्लो हो के वो साफ पानी आगे जाएगा, फिर वो पानी को हम लोग लेते हैं। तो समझ लो मैं अभी ड्रेन किया तो 2 घंटे तुरंत ले, ड्रेन किया तुरंत वहीं से नहीं ले सकता, तो कीचड़ आएगा ना, फिर सेपरेट होते तक फिर वेट करना पड़ता है सर। ओके, ये बात है। तो लगभग 495 डेली चाहिए? नहीं, ये ठंड में कोई आग वगैरह है। तो कितना टाइम के अंदर आप इस प्रोडक्ट बना देंगे 200 टन? हम लोग 1.5-2 घंटे में बना के, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में ऐसा मतलब रेडी कर देंगे। हाँ, रेडी करके फिर वो डिलीवर वैसे, हाँ वैसे ही, और कुछ नहीं। दिल्ली साइड से ज़्यादा मिनरल बेनिफिकेशन नहीं होता।